सो ही दी पोको इंडियन आप सभी का स्वागत है पोको इन स्वाडिन सील जीवी आइल ऑफ आमेकिस ने एपिसोड में। और भाई लोग पिछले एपिसोड के अंदर हम लोग ने भाई अपने लेजेंडरी पोकेमॉन कुफू को इवॉल्व किया था रैपिड स्ट्राइक उर्सीफू में। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ भाई, अभी भी मेरी टीम में वो ये देख लो भाई उर्सीफू रैपिड स्ट्राइक। भाई आप लोग को पता ही है भाई, अगर आपने पिछला एपिसोड देखा नहीं है तो जाके भाई देख लेना, एकदम कमाल धमाल एपिसोड था। मैंने उसके अंदर आप लोग को बताया था कि आप लोग भाई अपने कुफू को कैसे इवॉल्व कर पाओगे दोनों उर्सीफू के फॉर्म में, मतलब कि रैपिड स्ट्राइक और सिंगल स्ट्राइक। और साथ ही साथ भाई हम लोग ने टावर ऑफ वाटर को भाई फुल्ली एक्सप्लोर किया था, वहाँ पे जितने भी ट्रेनर्स हम लोग ने सबको हराया था। और लास्ट में हम लोग ने भाई डोजो मास्टर मस्टर्ड को भी हराया था, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था पिछले एपिसोड में। अगर आपने देखा नहीं तो भाई जाके जरूर से देखना एक बार, भाई उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग को ढूंढने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सो जाके एक बार देख लेना। बट उससे पहले भाई आज का एपिसोड देख लो। आज के एपिसोड के अंदर भाई हम लोग तीन धमाकेदार ट्रेनर से बैटल करने वाले, भाई तीन धमाकेदार ट्रेनर्स जो कि सभी के सभी आइल ऑफ आमा के अंदर है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो यहाँ पे भाई गेम को कंटिन्यू करते हैं आगे और देखते हैं भाई आज हम लोग को क्या करना है। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ भाई कि हम लोग को तीन धमाकेदार ट्रेनर से बैटल करना है, बट उससे पहले भी हम लोग को एक काम करना है जो कि है भाई यहाँ पे डोजो के अंदर चलना। और यहाँ पे देखो मस्टर्ड भाई हमारा इंतजार कर रहे हैं और इनसे बात करना है भाई। मास्टर मस्टर्ड बहुत ही कमाल के ट्रेनर है और इनसे भी पंगा हम लोग लेंगे, बट अभी सही टाइम नहीं आया, सही टाइम का इंतजार करो, इनसे भी पंगा लेंगे भाई। ओके यहाँ पे जो बात करें भाई हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है कुछ भी समझ में नहीं आएगा भाई, पोर्टुगीज़ में कुछ भी समझ में नहीं आता। ओके तो अभी मैं आप लोग को बता दूँ कि हम लोग को आगे क्या करना है। देखो जब आप लोग भाई अपने और देखो आप लोग ना जब अपने कुफू को इवॉल्व कर लोगे उर्सीफू में, उसके बाद आपको यहाँ पे आके डोजो में बात करना जो कि अभी मैंने किया मास्टर मस्टर्ड से। और उसके बाद भाई हम लोग को चलना है यहीं पे एक नया डोजो है, आप लोग को पता होगा अगर आपने इसको अच्छे से एक्सप्लोर किया होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पे एक और डोजो है। और अभी मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ भाई। ओके रिपल ख़त्म, एक और यूज़ करेंगे भाई, टेंशन ना लो, रिपल तो अपने पास बहुत सारे नहीं हैं बट जितने भी है भाई हम लोग सबको यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे हैं अपने पास खरीद लेंगे अगर ख़त्म होते हैं तो। और यहाँ पे भाई डोजो ये देखो यहाँ पे भाई दूसरा वाला डोजो, तो अभी देखो ये वाला जो है ना भाई रास्ता खुल चुका है। और यहाँ पे भाई एक ख़तरनाक ट्रेनर है जो कि हमारा इंतजार कर रहा है और उससे आज हम लोग बैटल करेंगे। और यहाँ पे देखो काफ़ी मज़ा आने वाला भाई, इसका नाम है लॉस्ट केव, और लॉस्ट केव में भाई काफ़ी मज़ा आएगा देख लो। यहाँ पे एक आइटम भी है, आप लोग को नहीं पता तो आप लोग ले सकते हो, मैं ले लेता हूँ भाई। पहले देखो हम लोग को मिला एक लैक्स इंसेंस जो कि काफ़ी सही चीज़ है मेरे ख्याल से, बट उतना भी कुछ खास नहीं, बट फ्री में मिल रहा था इसके लिए मैंने ले लिया। और यहाँ पे भाई आप लोग देख लो एकदम अच्छे से कि आपको करना क्या है। ओके ये देखो यहाँ पे एक बंदा है, वापस यहाँ पे चलो, और ये लो भाई हो चुका है, मतलब अपना जो ये है ना मतलब छुपा रुस्तम जगह, एक छुपी हुई जगह है भाई, इसको ढूंढना भाई बच्चों का खेल नहीं है, बट आप लोग टेंशन मत लो भाई, मैं हूँ ना आप लोग के साथ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। हम लोग ने इसको ढूंढ लिया और अभी मैं अपनी टीम तैयार कर लेता हूँ। देखो मैं सोच रहा हूँ ना आज जो अपना उर्सीफू है ना उसको मैं जगंटा मैक्स करूँ, और उसके लिए भाई मेरे को जगंटा मैक्स स्टोन लेना पड़ेगा, विशिंग स्टार, मतलब विशिंग स्टार मैंने ले लिया, मेरे बैग के अंदर होगा विशिंग स्टार। ओके मेरे को ढूंढना पड़ेगा विशिंग स्टार, भाई मेरे पास बहुत सारे आइटम्स हैं, लिटरली बहुत सारे, तो अभी ये देखो यहाँ पे विशिंग स्टार दो है, तो मैं काम करता हूँ उर्सीफू को दे देता हूँ, और भाई गिव करते हैं, बोमू को भी दे देते भाई, कभी इसको भी कर लेंगे मन किया तो। ओके तो मैंने यहाँ पे पहले नंबर पे रखा है उर्सीफू को, अपने रैपिड स्ट्राइक उर्सीफू को पहले नंबर पे रखा है। आज हम लोग भाई इसको जैगंटा मैक्स करेंगे और इसको यूज़ करेंगे, और इस बंदे का नाम है ल्यूकस जो भी बोलो भाई, ल्यूकस नाम है इसका, और काफ़ी स्ट्रांग मेरे को लग रहा है। और एक बंदे ने मेरे को बोला कि भाई इसके पास बक टाइप पोकेमॉन होंगे, तो या देखेंगे भाई, बक टाइप के ऊपर फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन और फायर टाइप पोकेमॉन सुपर इफेक्टिव होते, तो हम लोग भाई, और मेरे ख्याल से रॉक टाइप होते हैं, मे भी होते, बट मेरे को इतना पता नहीं, बट शायद से होते होंगे, क्या मालूम भाई। यहाँ पर मैं करूँ तो करूँ क्या, फोकस पंच तो नहीं करेंगे भाई, डायनेमिक पंच करता हूँ। और यहाँ पर देखो मैंने इसको जैगंटा मैक्स कर लिया भाई, देख रहे हो क्या ही कमाल दिख रहा है भाई, जैगंटा मैक्स उर्सीफू, मतलब जैगंटा मैक्स रैपिड स्ट्राइक उर्सीफू, भाई क्या ही कमाल दिख रहा है, एकदम बढ़िया दिख रहा है भाई। और भाई यानवे का फाइटिंग भाई बक के साथ फ्लाइंग टाइप भी है, इसके लिए भाई इसके ऊपर फाइटिंग टाइप अटैक इफेक्टिव नहीं है भाई, बहुत ही कम डैमेज दे रही। ओके मैं यहाँ पे भाई पोकेमॉन स्विच कर लेता भाई, वरना फिर हम लोग इसको हरा नहीं पाएंगे। और फायर टाइप तो मेरी टीम में एक भी नहीं है भाई, लिटरली ऐसा कैसे यार। ओके चलो कोई बात नहीं, एटनडेस के पास फायर टाइप अटैक है तो हम लोग वही यूज़ करते हैं। ओके एक अटैक में फेंट हो जाएगा भाई, लिटरली एक अटैक में, देखो अपना जो एटनडेस का लेवल है वो भी ज़्यादा है और इसकी पोकेमॉन का लेवल कम है भाई, तो यहाँ पर हम लोग को भाई आराम से जीतना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बीटरी ला रहा है तो मैं पोकेमॉन चेंज करूँगा, आप लोग ने मेरे को बोला है कि मैं सिर्फ एटन मतलब सिर्फ मैं एटनडेस को यूज़ ना करूँ, मैं सबको यूज़ करूँ, तो मैं सबको यूज़ करूँगा टेंशन ना लो, बट सिचुएशन भाई अगर एडवांटेज एटनडेस के पास है तो मैं उसको यूज़ करूँगा, सिचुएशन के ऊपर सब कुछ डिपेंड है और एडवांटेज के ऊपर, तो भाई जिसके पास एडवांटेज रहेगा आपसे मैं उसको यूज़ करूँगा। और यहाँ पर मैं ट्राई करूँगा कि अपने सभी पोकेमॉन को यूज़ करूँ भाई। और यहाँ पे क्या जैगंटा मैक्स कौन सा पोकेमॉन आ रहा है, जैगंटा मैक्स और बीटल भाई, मैक्स फ्लटर भाई,
भाई एकदम मतलब कम डैमेज दिया है। और यहाँ पे मेरे भाई उर्शिफु की दान नहीं गलेगी क्योंकि इसके पास एडवांटेज नहीं है, सभी के सभी भाई इसके पास फाइटिंग टाइप अटैक है और फाइटिंग टाइप के अलावा इसके पास कोई भी अटैक नहीं है, तो एक दिक्कत है। बट कोई बात नहीं, अब हम लोग स्विच करेंगे भाई, अब सही टाइम है स्विच करने का। एटनेटिस को वापस भेजते भाई, क्योंकि एटनेटिस के पास ही फायर टाइप अटैक है और किसी के पास भी नहीं है भाई। और इस मैच के बाद ना, नहीं छोड़ो, मेरे को पहले ही भाई फायर टाइप अटैक सिखा देने चाहिए जो भी एबल थे। वैसे मेरे ख्याल से कोई भी एबल नहीं है फायर टाइप अटैक के लिए, सिर्फ एटनेटिस एबल है, इसके लिए मैंने उसको सिखाया था पहले से। बट मे बी कोई चीज़ हो और भाई इसके ऊपर तो एक ही अटैक में ये फेंट को एक ही अटैक में जाएगा भाई, एक ही अटैक में। ओके, एक ही अटैक में गया। नेक्स्ट कोने भाई, नेक्स्ट कोने, जल्दी आओ जल्दी आओ, इंतजार नहीं हो रहा भाई तुम लोग को हराने के लिए, मतलब मैं तड़प रहा हूँ हराने के लिए। ओके, वेस्पी क्वीन एकदम तगड़ी पोकेमोन थी, बट भाई अपना एटनेटिस की बात ही कुछ और है। लेजेंडरी पोकेमोन एटनेटिस को कोई भी टक्कर दे सकता है बट हरा नहीं सकता भाई, इतना आसान नहीं भाई इसको हराना, काफ़ी तगड़ा पोकेमोन है भाई एटनेटिस। और भाई ये एक फ्लेम थ्रो में फेंट नहीं हुई, मतलब ये वेल कारूना जो भी हो भाई इसका नाम, ये बग टाइप तो है बट ये ड्यूअल टाइप पोकेमोन थी, इसके लिए भाई मेरे ख्याल से बग वरना बग प्लस फायर था इसके लिए। ओके, यहाँ पे लूकस को हम लोग ने हरा दिया और यहाँ पे बातचीत तो वगैरह वगैरह तो भाई हम लोगों को समझ में आने वाला नहीं है। बस इतना मेरे को समझ में आ रहा है कि इस बंदे ने मेरे को फुल रिस्टोर दिया और GM 11 दिया, बस और कुछ नहीं समझा भाई मेरे को। ओके, यहाँ पे हम लोग ने बैटल कर लिया और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि भाई इसने डायरेक्ट हम लोग को दरवाजे पे ला के छोड़ा। और अब एक काम करने दो, मेरे को पोकेमॉन्स को हील करना पड़ेगा। और वो पंछी कहाँ गया भाई, अपना कॉर्विक नाइट उसको ढूंढना पड़ेगा अभी फिलहाल। चलो इसको ढूंढते भाई, यहीं पे होगा, वो कहाँ जाएगा भाई, वो तो एक जगह पे मतलब एक ही जगह पे वो रहता है, वो यहाँ वहाँ नहीं जाता भाई, ये अच्छी बात है अपने लिए। और अभी हम लोग को हीलिंग कराना है भाई। ओके, यहाँ पे ये देखो ये रहा, और हीलिंग के लिए भाई यहाँ पे एक ही जगह है, पूरे आइल ऑफ आर्मर के अंदर एक ही पोकेमोन सेंटर है, एक ही पोकेमार्ट है जहाँ पे हम लोग हीलिंग करा सकते हैं। वैसे मैं पागल हूँ पता है क्या, मेरे को एक और जगह पता है हीलिंग के लिए, तो मैं वहीं पर कराऊँगा आपकी बार, ठीक है। चलो मैं आपको वाला भी दिखा देता हूँ, अगर आप लोग को याद नहीं होगा तो आपको याद आ जाएगा। और बार बार हम लोग को यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई, ये भी ये देखो ये बंदा हमारे पोकेमोन्स को हील करेगा। ओके भाई, तो देख रहे हो मेरे दिमाग में ना, मतलब जो मेरे को याद रहता ना कभी कभी मैं भूल जाता, बट कभी कभी भाई एकदम अचानक से याद आ जाता है कि यहाँ पे ये ऐसा कुछ था भाई, तो ये काफ़ी अच्छी बात है मेरे दिमाग की। और देखो जो अपना दूसरा भाई आज का जो दूसरा ट्रेनर है ना, वो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा, बस आप लोग मेरे को फॉलो करो भाई, एकदम आराम से मिल जाएगा, टेंशन ना लो। यहीं पर कहीं पर भाई झाड़ियों के बीच में वो छुपा हुआ है उसका डोजो, और उसको भाई आज हम लोग पकड़, ये देखो यहाँ पे भाई ये रहा भाई दूसरा डोजो, और यहाँ पे हम लोग को चलना है। और भाई किसी से बात करके कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि हम लोग कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि सब भाई पोर्टुगीज़। तो देखो मैं पोर्टुगीज़ लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करता हूँ बट मेरे को समझ में नहीं आता, इसके लिए भाई कभी कभी थोड़ा गुस्सा आ जाता है। बट मैं भाई दिल से बोलता हूँ, मैं किसी भी लैंग्वेज को हेट नहीं करता, मैं सबको मतलब सभी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करता हूँ। और भाई बट गुस्से में कभी कभी इधर उधर थोड़ा बहुत निकल जाता है, आप लोग को पता ही होगा ना। और यहाँ पे देखो जैसे आप लोग यहाँ पे आ जाओगे ना, ये कॉर्विक नाइट जो उड़ रहे ना, इनको भाई इनके सामने आ जाओ और इनसे बात करो। और ये क्या, ओके ऐसा भी यहाँ पे सीन है क्या? ओके एक मिनट, अरे भाई रुको भाई रुको, हम लोग को ना सही कॉर्विक नाइट को पकड़ के उससे बात करना पड़ेगा, फिर भाई वो हम लोग को लेके जाएगा, मतलब जो बैटल वाला जगह है ना वहाँ पे हम लोग को लेके जाके छोड़ देगा। बट हम लोग को सही कॉर्विक नाइट को पकड़ना पड़ेगा, और वो सही वाला कौन सा मेरे को पता नहीं भाई, ये भी एक दिक्कत है भाई, सही कॉर्विक नाइट कौन सा होगा भाई। ओके लेट्स सी भाई, लेट्स सी कॉर्विक नाइट का, ये भी भाई एकदम मतलब ख़तरनाक है भाई कॉर्विक नाइट। अब हम लोग देखिए भाई कौन सा सही वाला है इसमें से, मेरे को पता नहीं ये सही वाला है कि, एक बार वापस ट्राई करते हैं। ओके अब सही शायद, ओके देखो इस बार हम लोग आ चुके भाई, ओके इस बार हम लोग आ चुके भाई इस बंदे के पास। देखो आप लोग को ना सही कॉर्विक नाइट को पकड़ना है, अगर एक बार में नहीं होता दूसरी बार ट्राई करो, दूसरी बार में नहीं होता तीसरी बार ट्राई करो, जब तक आप लोग नहीं आते भाई तब तक कॉर्विक नाइट को बदलते रहो, आप लोग भाई यहाँ पे लाके छोड़ देगा। और अभी इसके पास कौन से टाइप के पोकेमोन होंगे मेरे को कोई आइडिया नहीं है, बट भाई हम लोग भाई अपने रैपिड स्ट्राइक उर्शिफु को यूज़ करेंगे, तो टेंशन ना लो भाई, अपना नया पोकेमोन है तो हम लोग उसको यूज़ करेंगे। और इसका नाम क्या पता है, वेनेसा भाई, बैटल कोमियो आगुरा जो भी हो भाई, एक लड़की है, ओके लड़की है, मेरे को लड़की दिख रही है, लड़की है भाई। भाई इसके पास है ब्रेवरी, काफ़ी अच्छा दिखता है भाई पोकेमोन, और फ्लाइंग टाइप है, फ्लाइंग के ऊपर इलेक्ट्रिक टाइप, भाई टॉक्सिसिटी आ जा तेरा काम है भाई यहाँ पे, इलेक्ट्रिक और रॉक टाइप अटैक। मैक्स पैक करूँ क्या, करता हूँ जायगंटा मैक्स करूँ, सोच रहा हूँ ना करो बट कर लेते कोई बात नहीं, टॉक्सिसिटी को भी जायगंटा मैक्स करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। वैसे इसके ऊपर भाई मैक्स रॉकफॉल भाई मतलब मैक्स पैक इफेक्टिव नहीं था, लगा ही नहीं भाई उसको, मतलब ओके लगा नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे फ्लाइंग टाइप पोकेमोन के ऊपर भाई ग्राउंड टाइप अटैक, ग्राउंड एंड रॉक टाइप अटैक सुपर इफेक्टिव होते हैं। ओके अल्टारिया आ रही है यहाँ पे, अल्टारिया के ऊपर भी हम लोग करेंगे डिस्चार्ज,
अगर डिस्चार्ज में फेंट, ओके भाई फेंट होने वाली थी, हुई नहीं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एक और बार यूज़ कर लेंगे, इस बार तो हो ही जाएगी फेंट। ओके भाई अल्टारिया को हमने फेंट कर दिया, इसका दूसरा पोकेमोन था अल्टारिया। और तीसरा कौन सा है, टैलन फ्लेम, एक और फ्लाइंग टाइप, फ्लाइंग और फायर भाई, ये अपने आस के पास भी था, काफ़ी तगड़ा पोकेमोन, बट एडवांटेज मेरे पास है तो मेरे को कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई। और इसका नॉइवन भाई ड्रैगन प्लस फ्लाइंग भी है क्या, फ्लाइंग है ये, उड़ सकता है, उड़ सकता है भाई, उड़ सकता है। और भाई बच गया, ये ड्यूल टाइप है ना इसके लिए बच गया, अगर ये सिंगल फ्लाइंग टाइप होता ना तो भाई नहीं बचता, बट यहाँ पे टॉक्सिसिटी फेंट हो गया भाई, पता नहीं कैसे हुआ बट हो गया। मैं जेसियन को भेजता भाई, जेसियन को मैंने बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया, और ये ड्रैगन टाइप पोकेमोन है तो उसके ऊपर प्लेयर अफ एकदम सुपर डुपर इफेक्टिव होगा, और ये ख़त्म भाई, इसकी हेल्थ भी एकदम कम बची थी तो हम लोग इसको आराम से फेंट कर सकते थे, मतलब मेरा कोई भी पोकेमोन इसको भाई एक अटैक में फेंट कर देता। यहाँ पे भाई जायगंटामैक्स कॉर्विक नाइट, भाई मेरे को लगता है ना कॉर्विक नाइट इसका फेवरेट पोकेमोन है, इसके लिए ये मतलब इसके पास जायगंटामैक्स कॉर्विक नाइट है, और बाहर भी भाई हम लोग को कॉर्विक नाइट की मतलब हेल्प से हम लोग को यहाँ पे आने का मौका मिला, तो काफ़ी सही वाली बात है। और कॉर्विक नाइट भाई स्टील प्लस फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है, तो इसके ऊपर भाई हम लोग को फायर टाइप अटैक करनी चाहिए, बट भाई फायर टाइप अटैक मेरे एटर्नेटस के पास है, और अभी मैं इसको बुलाता हूँ बैटल में। ओके रुक जा भाई, रुक जा ज़्यादा भाई, मतलब हवा मत उड़, अभी मेरा अल्टरनेटिस तेरे को उठा के पटक देगा नीचे, ज़्यादा हवा में नहीं उड़ने का भाई, जब तक मेरा अल्टरनेटिस मेरे पास है तब तक उड़ने का नहीं ज़्यादा। ओके भाई ये लो अल्टरनेटिस आया और इसकी वाट लगा दिया, बट एक अटैक, बस एक अटैक भाई, एक HP पे बच जाते भाई, कभी कभी ना सामने वाले की किस्मत अच्छी रहती है तो हमारी वाट लगा देता, बट यहाँ पे भाई जब अपने पास अल्टरनेटिस हो तो डरने की ज़्यादा बात नहीं है। टोगी किस, इसके ऊपर मैं क्या करूँ, मैक्स केसर करूँ, कर लेते भाई क्या जाता है, अपने सभी पोकेमोन जिंदा है अभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे टेंशन नहीं अपन को। ओके ये भी फेंट भाई, इसको भी मैंने हरा दिया भाई, वाह लीडर वेनेसा, वेनेसका जो भी इसका नाम हो, वेनेसा, ओके वेनेसा इसका नाम है, इसने भी मेरे को फुल रिस्टोर किया और GM 02 दिया है। एक मिनट रुको, मैं GM भाई जो मेरे को मिलते ना सिखाने की ट्राई करता हूँ, किसी ना किसी कोई ना कोई तो भाई सीख ही जाएगा। कहाँ गया भाई GM, ओके ये तो है, ये तो सही है, GM कहाँ गया भाई, मैक्स ओवरग्रो तो मैंने सिखाया पहले से, मैक्स एस्टिम, मैक्स फेंटेसम, फ्लटर ब्राय, मैक्स फ्लेयर, फ्लेयर ओके अभी ज़रूरत नहीं है भाई, रहने तो अभी ज़रूरत नहीं है भाई, कोई फ़ायदा नहीं सिखा के, मेरे को पता नहीं कि भाई इनके पास कौन से पोकेमोन होंगे, तो सिखा के कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे एक और बार हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी भाई लोग, तो अभी चलते भाई वहीं पे, उस डोजो के अंदर चलते जहाँ पे वो बंदा हमारे पोकेमोन को हील करेगा। ओके ये देखो यहाँ पे है, और ये रहा भाई, ये आ गए हम लोग डोजो के अंदर, और ये रहा बंदा, और ये हो गए हमारे पोकेमोन हील। ओके काफ़ी सही वाली बात है भाई, चलो। और अभी भाई देखो, मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को बोला था कि हम लोग तीन खतरनाक ट्रेनर से बैटल करेंगे, तो हम लोग ने भाई दो ट्रेनर को हरा दिया है, और तीसरे की बारी, और तीसरा वाला भाई बहुत ही खतरनाक है, मतलब उस तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है, और उस तक पहुंचते अभी हम लोग, चलो ट्राई करते। ओके यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं भाई, और यहाँ पे इस केव के अंदर घुसना है हम लोग को, फट्टे से घुसेंगे भाई। और ये देखो मैंने रिपेल यूज़ किया है क्या, याद नहीं मेरे को, बट ठीक है देखता हूँ ट्राई करता हूँ। ओके मैंने किया है, रिपेल यूज़ किया है मैंने। ओके यहाँ पे आना है हम लोग को भाई, निकलते जाना है, आना है जाना है, आना है जाना है। और ये देखो हम लोग आ गए भाई, और यहाँ पे अभी हम लोग को ढूंढना पड़ेगा भाई, ये जगह ना थोड़ी ख़तरनाक है, बट कोई बात नहीं हम लोग ढूंढ लेंगे, दिक्कत नहीं भाई, कोई भी टेंशन नहीं। और कहाँ गया भाई वो डोजो, कहाँ गया डोजो, ये देखो ये रहा डोजो, और यहाँ पे ये भी खुला हुआ है, और यहाँ पे भाई एकदम मज़ा आएगा अभी देखना आप लोग, बहुत ही ख़तरनाक चीज़ यहाँ पे हो गई। ये देखो भाई यहाँ पे एकदम भयंकर वाला पजल है भाई, एकदम भयंकर वाला, अगर आप लोग भाई इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, अगर आपको इसका रास्ता नहीं पता होगा तो भाई मैं लिटरली बोलता हूँ ना कि आप लोग का दिमाग ख़राब हो जाएगा इसको सॉल्व करते करते, मेरा खुद का दिमाग भाई ख़राब हो गया था इसको सॉल्व करते करते, बट आप लोग टेंशन ना लो, अभी मैंने इसको एकदम अच्छे से समझ लिया कि कैसे सॉल्व करना है, सो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, बट मे बी मेरे से कुछ गलतियाँ हो जाएँ इसको दोबारा से सॉल्व करने में, तो प्लीज़ इग्नोर करना भाई। और अभी मेरे को जाना कहाँ है भाई, मेरे को पता नहीं, बट ठीक है ओके यहाँ पे जाना है, यहाँ पे भाई देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, बट मे बी मेरे से कुछ गलतियाँ हो, तो प्लीज़ अगर होती है तो मेरे को माफ़ कर देना। और देखते हैं अभी मेरे को कहाँ जाना है, मेरे ख्याल से यहाँ पे जाना है नीचे, मेरे को आई थिंक सो कि मैं सही जा रहा हूँ, या मैं सही जा रहा हूँ भाई, यहाँ पे चलना है अभी हम लोग को। ओके मैं सही जा रहा हूँ भाई, सही जा रहा हूँ, एकदम सही जा रहा हूँ, टेंशन ना लो, हम लोग को ऊपर चलना है अभी। ओके ऊपर चलना ना, ऊपर ही चलना है भाई, ये देखो यहाँ पे ये रहा रास्ता, और अभी हम लोग को यहाँ पे जाने का है, और अभी इस साइड चलो भाई, और सीधा सीधा चलो अभी, सीधा सीधा और ऊपर, और ऊपर, और उसके बाद एक और बार ऊपर, फिर लेफ्ट, हाँ मेरे लेफ्ट। और ये देखो भाई हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, देख रहे हो भाई, मतलब मैंने भाई लिटरली
रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले भाई पजल को, मतलब भाई मैंने एकदम अच्छे से इसको सॉल्व किया था और मेरे को पता चल गया था कि इसको कैसे, मतलब भाई मैंने इसको सॉल्व करते 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 मेरा दिमाग भाई एकदम ख़राब हो गया था, बट फिर भी मैंने कोशिश किया और बाद में भाई मैंने इसको सॉल्व कर दिया और अभी मेरे को एकदम अच्छे से समझ में आ गया कि इसको कैसे सॉल्व करना है। और भाई वही मैं आपको भी दिखा रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है, टेंशन ना लो। जब तक आपके साथ में हूँ ना भाई तब तक टेंशन ना लो, जो जो मेरे को पता है वो सब मैं आपको भी बता दूंगा, सभी को बताऊंगा, टेंशन ना लो। आप लोग भाई मेरी फैमिली का हिस्सा हो तो भाई जो जो मेरे को पता है ना मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं, मतलब टेंशन बिल्कुल भी मत लिया करो। और यहाँ पे भाई वापस से दूसरी बार मैं पजल को सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि पहली बार मेरी से गलती हुई, मतलब मैंने पजल तो सॉल्व कर लिया था बट भाई मैं मतलब मैं अंदर जाके वापस बाहर आ गया, ये मेरे से गलती हो गई, बट कोई बात नहीं, इस बार वापस मैं अंदर आ चुका हूँ। और भाई लोग मैंने आपको बोला था कि आज हम लोग तीन धमाकेदार ट्रेनर से बैटल करने वाले, तो ये देखो भाई ये है तीसरा बंदा और ये आखिरी है, इससे बैटल करेंगे, चलो इससे फाइनली बैटल करते। और ये मेरे को लगता है ना तीनों में से सबसे खतरनाक यही होगा क्योंकि भाई इसका जो रास्ता है ना भाई एकदम खतरनाक था, मतलब इस तक पहुँचने का रास्ता एकदम खतरनाक था। और इसका नाम क्या है अभी पता चल जाएगा, लीडर सी फिनी भाई, क्या नाम है भाई, सी फिनी, ई फिनी, कैसा नाम है भाई, नहीं इसको मैं जैगेंटामैक्स नहीं करूँगा, नहीं तो इसको मैंने किया जैगेंटामैक्स और सी फूको अपने। और भाई इसके ऊपर भाई अर्थक्वेक, भाई इसने फाइटिंग टाइप अटैक इसके ऊपर इफेक्टिव नहीं है भाई, टच भी नहीं कर रहे। ओ भाई मैं क्या करूँ भाई, मैं किसको भेजूँ, बूम बूम को भेजूँ क्या, मैंने बूम बूम को अभी तक यूज़ नहीं किया आज के इस एपिसोड में, मे बी ये कुछ काम कर दे, देखते हैं मैक्स ओवर को ट्राई करते हैं। ओके लगा अटैक भाई, फेंट एक अटैक में भाई, ऐसे कैसे यार, मतलब मेरे ख्याल से ना वो ग्राउंड टाइप पोकेमॉन था साथ से, इसके लिए भाई बूम बूम ने अपना काम मतलब कमाल दिखा दिया, वरना ओके भाई तो इसके पास ग्राउंड और ना रॉक टाइप के सभी पोकेमॉन से, तो यहाँ पे अपने पास अच्छा ऑप्शन है कि भाई मैं अपने बूम बूम को जैगेंटा मैक्स करूँ। और उसके बाद भाई अपने पास अपना पानी तो है ही भाई, उसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, फरालीगेटर भाई, मैंने उसको पानी निकनेम दिया है कि नहीं मेरे को पता नहीं, मेरे को याद नहीं, लेट मी सी मैंने उसको निकनेम दिया है क्या, हाँ मैंने उसको निकनेम दिया भाई, पानी दिया है, वही मैं बोलूँ भाई मैंने उसको निकनेम नहीं दिया क्या, मेरे को याद था कि मैंने वाटर टाइप पोकेमॉन को पानी नाम दिया था, बट कौन से गेम के अंदर मैंने नाम दिया था वही मैं भूल गया था इस टाइम, मतलब अभी मैं भूल गया था कि कौन से गेम के अंदर मैंने वाटर टाइप पोकेमॉन को पानी नाम दिया था, बट अभी देखने के बाद भाई मैं मतलब मेरे को कन्फर्म हो गया कि मैंने इसी गेम में दिया था अपने फरालीगेटर को निकनेम दिया था पानी। और यहाँ पे भाई देखो अपना बूम बूम भाई आज कमाल कर रहा है, आज अलग ही फॉर्म में चल रहा है भाई, गोलक, ओ भाई ये कमाल धमाल पोकेमॉन भाई, एकदम बॉडी बिल्डर जैसा दिखता है भाई, एकदम खतरनाक पोकेमॉन, बट जब एडवांटेज हो अपने पास तो टेंशन नहीं लेने का भाई, कोई भी कितना भी तगड़ा पोकेमॉन हो उसको हम लोग एक से दो अटैक में फेंट कर देंगे अगर एडवांटेज है अपने पास तो। और अपना पोकेमॉन भी थोड़ा तगड़ा होना चाहिए, हिप्पा उड़ान भाई, देखो यहाँ पे मेरी हेल्थ कम हुई ना तभी मैं इसकी पावर सोख लूँगा, इसकी एचपी सोख लिया, मेरी एचपी हो गई फुल, ओ होने वाली थी हुई नहीं, बट कोई बात नहीं इस बार हो जाएगी अपनी एचपी भाई फुल हो जाएगी शायद, मे बी हो जा फुल हो जा, ओके नहीं हुआ बट कोई बात नहीं, बहुत हो गई भाई अपनी एचपी इतनी भी बहुत है। और इसका अगला पोकेमॉन कौन सा, इसका लास्ट पोकेमॉन भाई जैगेंटामैक्स एंडाकोंडा, ओ भाई जैगेंटामैक्स एंडाकोंडा, इसके लिए तो एक ही अटैक काफ़ी है ऐसा मेरे को लग रहा था, और भाई एक ही अटैक काफ़ी है भाई साहब, देख रहे हो भाई हम लोग मतलब ये लोग को इतना आराम से हम लोग हरा रहे भाई। इसका नाम क्या पता है, सी फिनी सही था, इतना बड़ा नाम था भाई इसके लिए, इसने शॉर्ट में रखा था। ओके GM9 दिया इस बंदे ने मेरे को, बहुत सही। ओके भाई लोग तो हम लोग ने भाई तीनों खतरनाक ट्रेनर लोग को हरा दिया बैटल करके, और भाई मैंने आपको स्टार्टिंग में यही बोला था कि आज हम लोग तीन खतरनाक ट्रेनर से बैटल करेंगे, और मैंने तीनों से बैटल कर लिया और मैंने तीनों को हरा दिया भाई बिना कोई दिक्कत के, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया भाई तीनों से बैटल करने में। आप लोगों को मज़ा आया कि नहीं मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे मेरे को जैगेंटा में स्कॉर्पिक नाइट को ढूंढने, तो भाई कहाँ गया अपना वो रास्ता, ये देखो ये रहा रास्ता निकलने का, और केव को क्रॉस करने के बाद अपना स्कॉर्पिक नाइट मिल जाएगा जो हम लोग को उड़ा के लेके चलेगा पोकेमॉन सेंटर के पास। और वहाँ पे भाई एक मिनट में रास्ता भटक गया हूँ, बट कोई बात नहीं, ज़्यादा बड़ा रास्ता नहीं इसके लिए भाई, भटक नहीं सकते हम लोग। ओके ओके हम लोग आ गए भाई बाहर, और ये देखो स्कॉर्पिक नाइट यहाँ पे अपना इंतजार कर रहे हैं, और चलते भाई पोकेमॉन सेंटर, इस बार पोकेमॉन सेंटर चलेंगे। और भाई लोग देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आज हम लोग तीन ट्रेनर से बैटल करेंगे, तीन धमाकेदार ट्रेनर से, तो भाई लोग फाइनली हम लोग ने तीनों ट्रेनर्स को हरा दिया है। और भाई अभी देखो आज के लिए तो भाई हम लोग का यही एम था कि हम लोग तीनों धमाकेदार ट्रेनर्स को हराएं, और हमने तीनों को हरा दिया। सो भाई लोग आप सभी को एपिसोड कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, और एपिसोड अच्छा ही लगा होगा भाई मेरे ख्याल से सबको,
और एपिसोड अच्छा लगा होगा भाई तो लाइक कर देना, अगर पसंद नहीं आया वीडियो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर पसंद आया होगा भाई तो दिल खोल के लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। और भाई लोग प्लीज़ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर देना, बहुत सारे लोग भाई वीडियोज़ को देखते बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि वीडियो को देखते हो, अगर आप लोग रेगुलर देखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसे नहीं लगते, तो टेंशन ना लो सब्सक्राइब कर दो ओके। और भाई लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, अगर आपको पसंद आया तो भाई मे भी आपके फ्रेंड्स को भी पसंद आ जाए, तो प्लीज़ शेयर कर देना उनके साथ। और भाई लोग आज की वीडियो कैसे लगी आप सभी को मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, आई होप सो कि सभी को एकदम बढ़िया लगा होगा। और बस भाई लोग आज के लिए इतना, कल मिलेंगे एक नए धमाकेदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय आप सभी को।